जैसे सफों में मिलकर खड़ा करना जरूरी है, चाहे तीन मुक्त गीत
जैसे दीदी में जिस सिमट करके मिलकर रचना जरूरी है उसी सिमट में फायदा होगा, वर्ण बीच में शैतान घुसेगा, जैसे नमाज के सपनों में घुसता है या नहीं। अलहमदुल्ला अगर आपकी बात मान ली तशरीफ ले आए जरा हुआ है, उसके बाद आप आपको सबको मालूम है कि यासीन शरीफ पढ़ी जाती है जब कोई नजा में होता है, सकरात में होता है, जिंदगी का आखिरी सांस ले रहा होता है, उस वक्त है यासीन शरीफ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? पूरा कुरान करीम है वो नहीं पढ़ते, यासीन शरीफ क्यों पढ़ते हैं? आप कहेंगे कि हदीस शरीफ में ऐसा आया है, तो फिर सवाल यह है कि हदीस शरीफ में ऐसा क्यों आया है? आखिर यासीन शरीफ में क्या सूखा पत्र लग रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरान करीम की किसी और सूरत के पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, यासीन शरीफ के पढ़ने के लिए पढ़ना है? मालूम है इसमें तो खुशूसियत है जबकि हुजूर ने पढ़ना है, इसलिए इतना जवाब काफी नहीं कि हदीस में आया है हुजूर ने ये हुक्म दिया है कि जो इस दुनिया के एंड पर पहुंच गया अगली जिंदगी उसकी शुरू होने वाली है उस नजा की हालत में ये यासीन शरीफ कहो। हदीस में आया इसे हम पढ़ते हैं, इतना जवाब काफी नहीं। जो फिर सवाल है चाहे हदीस में हुजूर ने ही सूरत की तफसीस क्यों की, कुरान में 114 सूरत है, किसी और सूरत को पढ़ने के लिए क्यों नहीं पढ़ना है, इस सूरत को क्यों पढ़ना है? मालूम भाई इस सूरत में कोई इम्तियाज है, कोई सूखा पकड़ लग रहा है, कोई वजह है, रीजन है? देखो जिस वक्त आदमी आखिरी सांस ले रहा होता है, नजा की हालत में होता है, उस वक्त दो हुक्म है, उन दो हुक्मों में थोड़ी गड़बड़ होती है। एक हुक्म तो ये है लत्तेनु मौका हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, जो नजा में है मरने को हो रहा है, अभी हो नहीं गया, जिंदा में खास नहीं पड़ता, अभी हो नहीं गया, उस वक्त उससे ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, लेकिन मौका तुम ला इलाहा इल्लल्लाह जब वो होश हो गया तब कैसे कह रहे हो? जब जिंदगी का आखिरी में कोई खो रहे क्या कहो, वो तो भान नहीं है, तो अब तो ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे कह लूंगा? इस वक्त अभी होश है लेकिन ये अंदाजा हो जाए कि बस अब ये आखिरी सांस ले रहा है, उस वक्त तो उससे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं हुआ, तो फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद एक घंटे के बाद जान निकले, आधा दिन के बाद निकले, 24 घंटे के बाद निकले, वो ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ना। बेशक ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद कोई दुनिया की बात न करे, ये पानी पिलाओ, मुझे सीख जाते हो, मुझे करवट दो, मुझे दवा पिलाओ, तो बाजा बाजा कर दिए सिगरेट पिलाओ, ये दुनिया की बात, ये दुनिया की बात अगर कभी करना हो तब उसने कोई दुनिया की बात नहीं की, कलमा पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद नहीं, वो खामोश रहा था, या अल्लाह 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 कोई जिक्र करता रहा, तो अब दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, उसने उसका फिर करा। तो यहां लोग गलती क्या करते हैं, जब उसको बेभान हो जाए तब करना पड़ता है, अरे भैया कैसे पढ़ाओगे, तो कैसे पढ़ेगा बेचारे, उसको गाली नहीं कहना मतलब ये समझना कि जब जिंदगी का अंदाजा हो जाए कि जिंदगी आखिर होने वाली है, अभी होशो हवास हाल में है,
इस वक्त करना पड़ा। कलमा पढ़ाते हुए लोग क्या गलती करते हैं, तीन चार आदमी बैठ जाते हैं चार पाई के चारों तरफ जोर जोर से कलमा पढ़ते हैं, ये गलत है। एक तो बेचारा जहां कली में इस वक्त तो इसको एक्स्ट्रा तकलीफ होती है, तकलीफ में परेशान है और ये क्यों मजा तो शोर मचाने से और कभी परेशान होगी। इसलिए मसला ये है कि एक आदमी बैठे तीन चार नहीं, एक आदमी करीब में चार पाई के बैठे, सिराने बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, पाइपी बैठे और वो इतना जोर से कलमा पढ़े कि ये मरीज सुन ले, मरीज से कुछ न कहे, उससे कहे कलमा पढ़ो न कहे, बिल्कुल किताब में माना नहीं था, बाद मरता तकलीफ में वो झंझा करके तो नहीं पढ़ रहा तो भी मर गया तो हो जाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं कहें, उसके करीब में कर सको इतनी जोर से कि वो कलमा सुन सके, जब आपका कलमा पढ़ना सुनकर वो पढ़े और आपने उसका पढ़ना सुन लिया तो अब आप पढ़ना बंद कर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाना चाहिए या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, दोनों कलमे के दोनों जूज पढ़ाओ। लेकिन अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान को पढ़ाए, मुसलमान कहते मरीज मुसलमान है उसको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया तो उसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंक्लूड है, मुसलमान का जो ला इलाहा इल्लल्लाह है उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह इंक्लूड है, वो शामिल है उसमें। तो अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह न पढ़े सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाओ तो भी पढ़े और दोनों जूज पढ़ाओ तो सुभानअल्लाह, और मुसलमान के अलावा दूसरे रिलीजनों के मानने वाले अगर ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ेंगे तो मुसलमान नहीं होंगे जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह न पढ़े। ईसाई है, यहूदी है, चाइना में हजरत लुकमान की उम्मत है, हजरत लुकमान को मान नबी मानते हैं, चाइना में लाखों आदमी ने जो हजरत लुकमान को नबी मानते हैं, यह साबीन के बारे में है जो वो हजरत दाऊद के जबूर को मानते हैं, तो हिंदू हिंदू तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों पढ़ेगा, उसके तो 20 करोड़ पढ़ा है। लेकिन ये जो मिलत रिलीजन है वो एक माबूद मानते हैं, एक पता मानते हैं और वो ईसाई तीन मानते हैं तो तीन का भी एक करते हैं। मसला ये बता रहा था कि मुसलमान के अलावा किसी भी रिलीजन का आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदे के साथ यानी सिर्फ बगैर समझे अल्फाज नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मजमून है उस मजमून के एहतिकाद के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े मुसलमान नहीं होगा, दूसरा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह मानना हो वो पढ़ना होगा मानना हो, लेकिन मुसलमान जब पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसका दूसरा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसमें इंक्लूड है, इसलिए मजलिस दोनों जूज पढ़ो सुबह और एक पढ़ो तो अभी काफी। तो बहरहाल ये गलती तो लोग ये करते हैं कि चिल्लाते हैं, कई कई आदमी पढ़ते हैं मजलिस से उससे मरीज से कहते हैं, ये सब गलत है, मरीज से कहना नहीं चिल्लाना नहीं, जन आदमियों को भी पढ़ना एक को पढ़ना है और जब अभी हो रहे हैं उस वक्त कलमा पढ़ना है, ये खास जूज है जिसमें लोग गलती करते हैं और जब उसने पढ़ दिया बस अपन को कोई दुनिया की बात बोले तो फिर पढ़ो, तो दुनिया की बात न बोले तो चाहे तीन दिन के बाद रूह निकले, तीन दिन के बाद रूह निकले, यही कलमा आखिरी कलाम है जिस पर मरा। किताबों में किस्सा लिखा है अजीब, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े इमाम हैं और इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा के शागिर्द हैं, मुहद्दिस भी बहुत बड़े हैं, फकीह भी बहुत बड़े हैं,
तो बीमार को नजर या कन्नी का वक्त है तो एक आदमी शरीर में कैसा उसने कलमा पढ़ा तो हजरत ने सुनकर जोर से कलमा सुनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबको सुनाया। अब भी वो तल्फीक करने वाला अब भी कलमा पढ़ रहा तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ने उसको मसला समझाया जान पड़ रही है उसको मसला समझाया कि देख भाई जब तूने मुझे पढ़वाया और मैंने कलमा पढ़ लिया तो ये मेरा आखिरी कलाम है और हदीस पर मेरा अमल हो गया। अब बार बार पढ़वा कर मुझे परेशान मत कर। और हजरत की रूह कब हो मसला समझाया आखिर में इसका मतलब तो होश है इतना होश को मसला समझा रहे हैं। देखो ऐसा ही एक किस्सा और याद है अबू जुलहा एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इमाम बुखारी अलैहि रहमा और इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा से हम कल्ला उनका वफात का वक्त हुआ सकरात शुरू हुई और बड़े बड़े मुहद्दिस मुहद्दिसीन जो उनके शागिर्द थे वो बैठे थे किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कलमा तलकीन करें इतने बड़े मुहद्दिस से कलमा पढ़वाएं किसी की हिम्मत नहीं हो रही। तो एक मुहद्दिस को ख्याल आया ये नबी जिसमें है कि इसका आखिरी कलमा था आखिरी कलाम आएगा इंसान को नकल जन्नत में चला जाएगा तो एक मुहद्दिस ने वो हदीस सनद के साथ पढ़ने शुरू की और उसने कहा हाजिर इमाम कबीर या पैसे तब जो पढ़े हुए हैं उनकी तरफ इशारा किया कि ये बहुत बड़े इमाम हैं इन्होंने हमसे हदीस बयान की उनसे बुलाने उनसे बुलाने उनसे बुलाने हुजूर तक ले गए और हुजूर तक ले जाने के बाद नक न पढ़ा कि नबी ये बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन का न आखिरा कलामी वहां जाकर रुके। तो अबू जुरा ने रुकना दिया ला इलाहा इल्लल्लाह रुकनी वो हदीस कैसे पढ़ कर वहां जाकर रुके। तो हदीस ये है मन का न आखिरा कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह का कल जन्नत जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में तो मन का आखिरा कला भी ही यहां पर रुक गए। तो अबू जुरहा रहमतुल्लाह ने लुक्मा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह पर ये लुक्मा दिया और उनकी रूह पर इसका मतलब कि इतना भान है इतना होश है कि ये इनकी सदर से हदीस बयान कर रहा है और जहां जाकर के इमाम रुक जाता है तो मुक्त नतीजे से लुक्मा देता है तो ये मुहद्दिस लुक्मा दे रहा है। बहरहाल एक मसला ये समझने कि होश को उस वक्त कलमा पढ़वाना चाहिए एक मरतबा पढ़ दिया रूप जाना चाहिए शोर नहीं मचाना चाहिए इतना ही जोर से पढ़ना चाहिए तो नगीन पढ़ के सब उसके बाद आगे बात सुन सूर्य नाजियात में पहली जो ऐसे वन्नाजियात वर्तन वन्नाशितात नष्टम कसम है उन फरिश्तों की जो जिस्म में डूबकर रूह को खींच कर बाहर निकालते और कसम है उन फरिश्तों की जो रूह का बदन के साथ जो गिरा लगी हुई है उसे आसानी से खोल देते हैं रूह को जन पहला हाल काफिर का है दूसरा हाल मोमिन का है। जब वहां काफिर को बदकार को रिश्ते जान वसूल करने के लिए आते हैं तो उसको बताते हैं एंड निकल के भी खबर ले तो रूह जिस्म के अंदर घुस जाती है कोने कोने में छूट जाती है
तो कई पोजिशन में डूबते हैं और अंदर से रूह को खींच करके बाहर लाते हैं, वो जख्मी होकर निकल रही है जैसे कांटे वाले शाप पर रूई लपेट हो और फिर वही निकलो तो जिंदगी जिंदगी होकर भी निकलेगी, ऐसी निकलती है। और मोमिन के पास, नेक बंदे के पास जब फरिश्ते रूह उसमें करने आते हैं तो खुशखबरी सुनाते हैं, चल अल्लाह कहते मिली ये नियमतें हैं, ये नियमतें हैं, ये नियमतें हैं। तो रूह बेकार हो जाती है, फड़कती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन रूह जिसम के साथ बंधी हुई है कैसे नहीं, तो फरिश्ते वो घेरा बहुत आसानी से खोल देते हैं और रूह निकल आते हैं। जिंदगी के आखिर में ये इंतजाम है, बुरे आदमी को फरिश्ते वही देर सुनाते हैं, निकलते वक्त रूह निकलने का जो वक्त आता है, अनेक आदमी वो फिर सबरियां सुनाते हैं। इसके अलावा हर आदमी दुनिया छोड़कर जाना नहीं चाहता, चाहे कितना ही बुरा हो गया, आंखों ने काम करना छोड़ दिया, कान से सुनाई नहीं दे रहा, कामों में ताकत नहीं, मुंह में एक दांत नहीं, चचा से कहो चचा मरना है नहीं बेटा, पता नहीं जिंदगी के लिए अल्लाह ने क्या मोहब्बत रखी है कि अल्लाह रखता दुनिया में किसी काम का नहीं रहा, मगर दुनिया नहीं छोड़ना चाहिए, दुनिया की मोहब्बत ऐसी रखी अल्लाह। फिर हर आदमी के पास में बहुत कुछ है, मकान है, दौलत है, बैलेंस है, बाल बच्चे हैं, कारोबार है, खेती बाड़ी है, मरने के लिए आदमी इसलिए भी तैयार ना हो जाए तो छूट जाए, इसलिए जरूरी है कि जिंदगी के आखिर में उसको ये बताया जाए कि ये मरना नथिंग हो जाना नहीं, बल्कि ये तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर बदलना है, दुनिया से गुजर गए, पास अवे आगे बढ़ गए, गुजर गए, फिर उसके बाद ये दुनिया खत्म होगा, नई दुनिया कायम होगी, कयामत कभी आएगा, फिर ये मिट्टी जो बॉडी जो मिट्टी में बॉडी जो मिट्टी हो गई है उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा, दोबारा बड़ा शानदार जिसम बनेगा, दोबारा रूहें आकर के उसमें वापस हो जाएंगे, तो नई जिंदगी आ गई और फिर आगे ये नियमतें हैं, ये जन्नत है और ये नियमतें हैं, ये ये सब मरते वक्त अगर बता दिया जाए तो मरना आसान हो जाएगा, जो मेरे पास चुकी है तो सब मेरे पास ही है, मैंने आगे देर रखा हो गया, जो बारह मुझे पैदा होना, जो बारह पैदा होकर ये जन्मत मैंने मुझे आदमी होगी तो मरना आसान हो जाए। मेरे भाइयों, यासीन शरीफ में चार दलीलें कायम की गई हैं इस बात पर कि ये जिंदगी सारी नहीं है, इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी आने वाली, तीसरा रुकू जहां से शुरू होता है वहां तो आए तू लहू आए तू लहू आए तू लहू आए तू लहू, चार दलीलें देखती हैं कि इस दुनिया से आदमी मर गया तो मर गया, मान नथिंग हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि दुनिया के बाद उसी दुनिया आ रही है, उस पर चार दलीलें हैं, इन दलीलों से मरीज को सुनाई जाती है दलीलें कि दुनिया छोड़ने का अफसोस मत कर, ये दुनिया तो एक स्टेज है, एक मरहला है, इसके बाद दूसरी दुनिया आ रही है, तो उसको शौक हो जाएगा, नेक बंदे को शौक हो जाएगा कभी अच्छा है दुनिया से गुजर के दूसरी दुनिया में जन्नत में जाएंगे। उन चार दलीलों को बयान करने का तो वक्त नहीं है, उसमें से एक दलील जो मैंने बयान की है उसको मुख्तसर समझा रहा हूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुन्बितुल अर्ज़ व मिन अन्फुसिहिम व मिम्मा ला यालमून, पाक
है वो जात जिसने सारी ही चीजें जोड़ा जोड़ा बनाई। वो जात पाप है, किस बात से पाप है? उसका कोई जोड़ा नहीं है, जोड़ा होने से वो जात पाप है। उसने हर चीज जोड़ा जोड़ा बनाई है, सिर्फ उसकी अकेली जात ऐसी है जिसका जोड़ा नहीं है। सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़्वाजा कुल्लहा, जमीन में से जो चीजें उगती है वो भी जोड़ा जोड़ा, खुद इंसान भी जोड़ा जोड़ा बना है, और जिन मखलूकात को इंसान नहीं जानता वो भी सब जोड़ा जोड़ा। यहां रुक करके जरा समझो, जब हम लफ्ज जोड़ा सुनते हैं तो मेल फीमेल नर मादा का तस्वीर आए, और हम नर मादा ही तब जोड़ा का लफ्ज हम मुनहसिर कर देते हैं कि नर मादा बना ये जोड़ा हो। नर मादा बेशक जोड़ा है, लेकिन जोड़े का मफहूम यहीं तक नहीं है, जोड़े का मफहूम इससे आगे है। देखो दो चप्पल और दो जूतों को क्या कहते हैं? जोड़ा। कहां नर्मादा है? कुर्ता और पजामा को क्या कहते हैं? जोड़ा। कहां नर्मादा है? कहते हैं मैंने ईद के लिए जोड़ा सिलवाया, यानी कुर्ता पजामा सिलवाया, कहां नर्मादा है? तो जो लफ्ज जोड़ा के बारे में जो हमारे जहनों में तस्वूर है, नर्मादा बनेगा ये महदूद तस्वूर है, नर्मादा बेशक जोड़ा है, लेकिन यही तो जोड़े का मफहूम नहीं है। जोड़े का मफहूम इसके आगे है। जोड़े का मफहूम क्या है? वो दो चीजें जो दोनों मिलकर एक मकसद की तकमील करें, ये है जोड़ा। वो दो चीजें जो दोनों मिलकर एक मकसद पूरा करें तो उसका नाम है जोड़ा। दो जूते दो चप्पल जोड़ा क्यों? एक मकसद पूरा करते, वो मकसद क्या है? सवार होकर चलना। और हदीस में कि अगर आदमी जूते चप्पल पहनकर चले तो ला यथालो यमशी मुंतइलम, बराबर सवार होकर चले। जब जूते चप्पल पहनकर चलेगा कांटा नहीं चुभेगा, काम कंकर नहीं चुभेगा, पैर मैला गंगा नहीं होगा, और नंगे की बनिस्बत कम थकेगा। और देखो सवार होकर चलने के बहुत दर्जे, ये सबसे नीचे का दर्जा है, और ऊपर का दर्जा है हवाई जहाज में उड़ो, ये भी सवार होकर चलना, और सबसे नीचे का दर्जा है कि नंगे पैर मत चलो, जूते चप्पल पहनकर चलो तो आप सवार होकर चल जाए। कांटा पैर में कांटा नहीं चुभेगा, कंकर नहीं चुभेगा, पैर मेरे गंदे नहीं होंगे, कपोगे कम, सवार होकर चलने से कम थकता है तो कम थको। इसलिए दो चप्पलों को जोड़ा कहते हैं, वो दोनों मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं। कुर्ता पजामा इनको जोड़ा क्यों कहते हैं? ये दोनों मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं। तो क्या मकसद? कुरान करीम में सूरह आराफ में एक आयत करीम आई, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा ولباس التقوى ذلك خير। अरे आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया, लिबास पैदा किया, पहनने का पहनावा पैदा किया तीन दर्जों में, एक तो युवाजी सौ आपके गुण तुम्हारा नंगा का छुपा, कमर से लेकर नाक से लेकर घुटने के नीचे तक ये नंगा का छुपा था, ये दो फल बह गए। दूसरा दर्जा लिबास का है परिंदे के लिए जो पर है भीषण, ऐसा बीष तुम्हारे लिए बनाया, जैसे परिंदा परों के साथ हो कितना खूबसूरत लगता है, और पर उखाड़ दो तो कितना बदनुमा लगे। आदमी सिर्फ लुंगी पहनकर कमर से घुटने तक कोई कपड़ा पहनकर पब्लिक के सामने आ जाए तो हर आदमी भूलेगा
यहाँ कोई नहीं भूलता है, यहाँ तो सब नहीं दे लेकिन जहाँ इंसान बचते वहां हर आदमी देखेगा ये बस जो भगवान कहीं करा पर आदमी पूछता पंजामा पहनकर पब्लिक के सामने आए तो कितना बड़ा शानदार मान तो ये दूसरा दर्जा है लिबास का मुजैयन हो आदमी को आदमी मुजैयन हो लिबास से तो मुजैयन होना ये एक मकसद है ये मकसद कुर्ता पाजामा से मिलकर हासिल होता है सिर्फ पाजामा से नहीं आते फिर मेरे भाइयों मुजैयन होने के बहुत तरीके हैं देखो यहां जितने बंदे बैठे सबने कुर्ता पाजामा पहन रखा है किसी का कुर्ता पाजामा किसी नौयत का है किसी का और नौयत का है किसी का और नौयत का है कोई भी कहीं लेकिन तीसरा दर्जा है वो लिबास तक्वा पर गांवों का जो लिबास ये तीसरा दर्जा है कुरान ने कहा दालिका खैर दिस इज वेरी गुड ये जो सालिहीन का लिबास है मुत्तकीन का लिबास है पहले गांवों का लिबास है ये बहुत शानदार लिबास है यानी कुर्ता पाजामा कोई भी कहें कहना यहां से मुख्तलिफ पहने हुए बैठे लेकिन अल्लाह के नेक बंदे जो कुर्ता पाजामा पहनते हैं वैसा अगर तुम पहनो और मजबूत होकर आओ तो राधिका अच्छा ये बहुत अच्छा लिबास है और राधिका लिबास मुस्तकीम कहने के बजाय लिबास तकवा इसलिए किया कहा तो नेक लोगों का लिबास पहनोगे तो तबीयत नेक ही पैदा होगी तजर्बा हो इन मुल्कों में कुछ लोग ये समझते हैं कि जो चाहो पहन अमल करो पहन जैसे क्या फर्क सकता है कुछ भी करो क्या सही नहीं तजर्बा हो एक साथ नेक लोगों का लिबास क्या तो अपनी तबीयत का अंदाजा करो फिर एक साल फुस्सा को फिट जान वाला फैशन वाला लिबास पहनो सर पे टोपी नहीं है शर्ट है कट है पजामा है इतना ऊपर सके हो एक साल ऐसा लिबास पहनो अगर पांच वक्त की नमाज पढ़ता था तो भी नमाज पढ़ो ये बात होते देखो तो नहीं होती तो कुरान का लिबास तकवा तकवा इसलिए कहा कि मुत्तकियों के लिबास पहनोगे तो तबीयत में तकवा परहेजदारी की जाओ पहला मैं ये बता रहा था कि मुजैयन होना ये एक मकसद है सिर्फ लुंगी पहनने से नेकर पहनने से चट्टी पहनने से मुजैयन नहीं होता उसका बजाना से मुजैयन होता है इसलिए उसको जोड़ा गया तो ऐसी दो चीजें जो मिलकर एक मकसद पूरा करें तो वो जोड़ा है नर माता होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता और नर माता होना जरूरी नहीं जैसे हैवाना नर मादा मिलकर एक मकसद पूरा करता है क्या मकसद है नस्ल आगे बढ़ा नस्ल आगे बढ़ा ये एक मकसद है नर मादा मिलकर पूरा करता है अल्लाह इसके मोहताज नहीं है आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं न बाप है न माँ है ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ माँ की बाप नहीं थी और तफसीरों में लिखा है कि दादी हवा सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की पत्नी से पैदा हुई यानी बाप का मानी थी तो अल्लाह माता ने सिस्टम ये बनाया है कि नर मादा से नस्ल आगे बढ़े नर मादा मिलकर एक मकसद की तकनीक करते हैं ये जोड़ा और एक मिसाल जो कुरान करीम ने कहा कि आसमान और जमीन जोड़ा है وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ جو تو اس آسمان ہم نے اپنے ہاتھ سے بیل بنایا ہے اس آسمان کو جو وہ کتنا لمبا چوڑا بنا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ یہ زمین کو دیکھو ہم نے اسے بچھایا ہے کتنی شاندار بچھایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اسی طرح ہم نے ہر چیز کا جوڑا بے جوڑ اللہ کی ذات ہر چیز کا جوڑا ہم نے ہر چیز سے جوڑا بنایا ومن كل شيء خلقنا زوجين آپ کو نہیں جاتا لعلكم تذكرون شاید یاد کرو
क्या याद करना है? वो याद ही करना है कि मेरे जो ये दुनिया अकेलोन नहीं है, ये दुनिया अकेली नहीं है, इस दुनिया के साथ दूसरी दुनिया इसका जोड़ा है, और ये दुनिया आने वाली दुनिया, दोनों दुनिया जीकर एक मकसद के तक में है। वो एक मकसद क्या है? जज तकलीफ और जजा, ये दोनों लफ्ज अरबी के उर्दू के नहीं है। अरबी में तकलीफ, तकलीफ कहते हैं अल्लाह ने मुकल्लफ मखलूकात को अहकाम दिए कि ये काम करो, ये काम मत करो, इसका नाम है तकलीफ। ये अल्लाह ने सारे अहकाम इस दुनिया में दिए, जो अल्लाह के अहकाम पर जो हुक्म दिया है वो काम करता है, कोई बदला नहीं पाता, बुराइयां करता है कोई सजा नहीं पाता, जजा के लिए अगली दुनिया है, वह अमल नहीं है, अमल यहां करना अच्छा या बुरा अमल यहां करना है, उसकी जजा दूसरी दुनिया में करना है। तो दो दुनिया मिलेंगे जब ही तो मकसद पूरा होगा कि मुकल्लफ बनाया अल्लाह ने, आकाम किए, किसने अमल किया किसने नहीं किया, इसका रिजल्ट दूसरी दुनिया में सामने आएगा। जिसने अमल किया उसको जजाए चाहे जन्नत मिलेगी, जिसने अमल नहीं किया वो बाहर में जाएगा। इसलिए दो दुनिया, दुनिया आखिरत मिलकर जोड़ा है। देखो मेरे भाई जो इस दुनिया में अगर आमाल की जजा और सजा मिलने लगे तो पर्दा उठ जाए, इम्तिहान खत्म, नमाज पढ़ी डू मिला, बुराई की डंडा पड़ा, दूसरी मरतबा कौन बुराई करेगा? जब भी बुराई करके डंडा पड़ता है तो कौन बुराई करेगा? पर हरे नमाज पढ़ेंगे इसे नमाज पढ़ने से लड्डू मिलता है तो इंतजाम खत्म हो गया, पर्दा उठ गया। यहां तो दुनिया में तो दोनों इक्वल है, नमाज पढ़ता है तो कुछ नहीं मिलता, बुराई करता है तो डंडा नहीं पड़ता। ये भी मगन है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, वो भी मगन है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, आगे बुरा काम कर रहा है। लेकिन इस दुनिया में जजा और सजा नहीं हो सकती है, इम्तिहान खत्म हो जाए। आखिरत में जब यहां जो कुछ काम किया है उसकी जजा और सजा पाने के लिए दूसरी दुनिया है, और उस दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद किस दुनिया में जिसने अच्छा किया वो जजा कर पाए, बुरा किया है वो सजा पाए। तो जो दुनिया मिलकर एक मकसद को पूरा करती है, दुनिया और आखिरत जोड़ा, ये मजमून यासीन शरीफ में मैंने कहा कि जो चार दलीलें आई हैं उन चार दलीलों में से एक दलील है कि ये दुनिया एलोन नहीं है, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, इस दुनिया के खत्म होने के बाद में दूसरी दुनिया आएगी। उसकी दलील पेश की है कि जब अल्लाह का कानून ने इस विवाद दुए हर मखलूक दुए पैदा की गई, देखो आसमान और जमीन जोड़ाने के एक मकसद को पूरा करते हैं, क्या मकसद है? आसमान और जमीन जब बने तो इस जमीन पर हैवानात को अल्लाह पैदा करने वाले हैं, अभी तो आसमान और जमीन बन रहे हैं, मगर जब आसमान और जमीन बनकर तैयार होंगे तो इस जमीन पर हैवानात पैदा होंगे, जानवर, वर माने वाला, जान वाली मखलूकात पैदा होंगी, जैसे ताकतवर, ताकत वाला, जानवर, जान वाली मखलूकात पैदा होंगी। ये जो जानदार मखलूकात पैदा होंगी उनके माश का क्या इंतजाम, क्या खाएंगे पिएंगे और इस जमीन पर कैसे जिएंगे, ये एक मकसद है। उसके लिए अल्लाह ने आसमान और जमीन पर बनाया, आसमान बरसता है जमीन का और हैवाना खाते पीते हैं और जिंदगी गुजारते हैं, मर जाते हैं। तो सोचो अगर आसमान न होता और बरसता न तो जमीन कहां से होगा, और अगर आसमान होता और वो बरसता ही रहता और जमीन ही न होती तो कौन उगाता है? दोनों मिलकर एक मकसद पूरा करते हैं। वो मकसद क्या है कि जमीन पर जो हैवाना अल्लाह आगे चलकर जो हैवाना पैदा करेंगे उनके माश का इंतजाम अल्लाह ने इस तरह किया कि आसमान और जमीन बनाए, वो बरसता है, ये उगाता है, हैवाना उससे खाएंगे पीएंगे जिंदगी बिताएंगे। तो इसी तरीके से और मिसाल होगा,
एक फूड है और एक पिलन है, गिजा है, गंगा है, एक है गंगा और एक है पिलन, तीन धन हर उस चीज को कहते हैं जिसमें तेल निकलता है, प्रसारण करता है, सरसों तिल बड़ा तो आपके यहां तो मके में से भी तेल निकालते हैं, बहरा एक लक्ष्य है उनका तीन धन, तीन धन के माने वो चीज है जिनमें से तेल निकलता है, फिर या तो वो चीज उसी तेल में लगाकर खाते हैं या तेल का साधन बनाकर उसमें खाते हैं, पर ये गल्ला गेहूं चावल ये गल्ला है और उसके लिए तिलहन बना है, अगर सिर्फ गेहूं और चावल होते और तिलहन न होते और सालन न पकता तो कैसे खाते आदमी, कैसा खाते, कैसा मुश्किल हो जाता उतारना, लुकमा कैसे उतरेगा, रोटी कुछ रोटी उनमें सबको चबा चबा कर थक जाओगे, जब तक आधा किलो सूप नहीं मिलेगा उतरेगा नहीं, तिलहन अंदा पैदा कर देते तो तिलहन को तो कितना खाते उससे घी पी के सरसों का तेल पी के वो उसका कोई सारा तो ना करके खाएंगे, किसी का रोटी उसके साथ पैदा कर खाएंगे, तो गल्ले में अल्लाह ने दो चीजें बनाई, गल्ला और तिलहन दोनों मिलकर के बड़े मजे से आदमी खाते हैं। बहरहाल मेरे भाई अल्लाह ने फरमाया कि पाक करूंगा जिसने सारी ही चीजें जोड़ा जोड़ा बनाई, जमीन जो उगाती है उनमें जोड़े जोड़े बनाया था, बट ये जोड़े जोड़े का कानून इतना दूर तक गया है, देखो चने का दाना दो दाने मिलकर एक दाना बनता क्यों होती है, चने का दाना दो दाने अलग और मिलकर एक दाना बनता है और जब चना उगेगा तो बीच में से गोला निकलेगा, इस दाल और इस दाल के बीच में से गोला निकलेगा, इमली का बीज दोनों के बीच में से निकलेगा, दो दो बीज से सेपरेट अलग अलग है, बीच में से गोला निकलता है, खजूर का दाना खजूर बीच में दो हिस्से हैं लेफ्ट राइट है, और खजूर में नहीं हमारी बॉडी में भी टू पार्ट्स है लेफ्ट राइट, हमारी जो बॉडी है वन पीस नहीं टू पार्ट्स है राइट लेफ्ट, और लकवा अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत करना है, लकवा पड़ गया दाई तरफ तो आधा जिसम देखा और आधा सही मालूम कि वन पीस नहीं है हमारी जो बॉडी है ये वन पीस नहीं है, वन पीस होती तो ऐसा ना हो, मुझे होता है कि नकवा पड़ गया दाई तरफ नकवा पड़ गया दाई तरफ का आधा बेकार हो गया बाई तरफ का ठीक है, मालूम तो हमारी बॉडी टू पीस मिलकर के बनी हुई है वन पीस नहीं है, तो जब अल्लाह का कानून टू पीस का दूसरे कानून इस दीवार का कानून जोड़ा का कानून इतना हमारी बना हुआ है, तो भाई ये कैसे हो सकता है कि दुनिया का अनुभव अकेली हो इसके साथ उतना जोड़ा न हो, पर अगर दुनिया ये अकेली है तो फिर अंधेर नगरी चौपट रहे, अंधेर नगरी में चौपट राजा वहां टके से भाजी भी थी टके से हलवा भी, इस दुनिया में जो नेकियां करता है पाप माजी की जिंदगी गुजारता है वो भी ऐसा ही है, जो बदमाशियां हर तरह की करता है उसको भी ऐसा ही, जो अंधेर नगरी जब कुछ राजा हुआ अल्लाह न्याय की कोई नगरी अंधेर नगरी थोड़ी है, अल्लाह ने चौपट राजा थोड़ी जो बुराई करने वाले के साथ भी कुछ नहीं और अच्छाई करने वाले के साथ भी कुछ नहीं, अल्लाह ने इस रिजल्ट के लिए दूसरी दुनिया की है, दूसरी दुनिया में जाकर के रिजल्ट एक हदीस शरीफ में है, ये दुनिया मोमिन का जेलखाना है और काफिर का बाग मोमिन का जेलखाना है, यानी जैसे जेल में कैदी की मर्जी नहीं चलती, जेल के कानून का फॉलो करना और जेल में किसी की तबीयत नहीं लगती, इसलिए मोमिन के लिए इस दुनिया में आजादी नहीं है, ये दुनिया मोमिन का जेलखाना है, यहां मोमिन के लिए अल्लाह ने कानून भेजा है नबियों के जरिए से,
उसके मुताबिक कदम उठाने हैं, फॉलो करने हैं, उससे हटकर यह कदम नहीं लगना। पर अगर मोमिन नेक बंदा है तो कभी भी उसका दुनिया में जी नहीं लगेगा, ये जेल खाने में किसका जी लगता है। और काफिर काफिर के लिए ये गार्डन गार्डन में बहुत मजे है, धुआं पियो कोई पूछने वाला नहीं है, गार्डन में ऐसा जी लगता है कि घर लौटने में जी नहीं जाए। लेकिन मेरे भाइयों, ये सूरत हाल इस दुनिया की, दूसरी दुनिया में, दूसरी दुनिया में सूरत हाल बदल जाए। मोमिन के लिए अगली जिंदगी में बागात हैं, जन्नतें हैं, एक नहीं बहुत, जन्नत ही जन्नत, और वो भी जन्नत की फिरदौस हाई क्लास जन्म बागात। और वो बागात ऐसे जन्नत की कभी भी उन जन्नतों से मुंह होना नहीं चाहिए। आप लोग मुंह होते रहते हैं बहुत ज्यादा, खामखाली मुंह होते, वहां जन्नत में कोई मुंह होना नहीं चाहेगा, उसे जन्नत में ऐसा जी लगा हुआ होगा कि वो कभी भी जन्नत से मुंह होना नहीं चाहेगा। जिसको जो जन्नत मिल गई मजे से रहेगा। और काफी कुरान करीम में वो जानना जहन्नम अन काफिरीन हसीर, हमने दोजख को काफिरों के लिए जहन्नम बनाया। यहां उसके लिए बर्तन है, यहां जहन्नम है जानना। और उस जेल खाने में पूरा निजाम है, और जेल के फायदों के हटकर एक कदम कोई दोजख से नहीं उठा सकता। और कहा अगर जहन्नमी जहन्नम में रहेंगे और उनका वहां जी नहीं लगेगा, हमेशा मालिक से रिक्वेस्ट करेंगे, ले अब इन आरम हो, हमें नथिंग कर दे, अल्लाह ताला हमें नथिंग कर दे, हमें जन्नत नहीं चाहिए। मगर थाउजेंड ईयर्स के बाद मालिक जवाब देगा कि इन तुम माफी, तुम नथिंग नहीं होगे, तुम यही आता अब रहना। इसलिए मेरे भाइयों, मरने वाले को ये सब दलाई सुनाए जाते हैं कि दुनिया से निकलते हुए थोड़ा परेशान मत हो, इसके बाद दूसरी दुनिया है, उसकी जिंदगी को जो वापस दे रहे हैं, नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, जकात दी है, जो तुमने काम किए हैं, उन सब का सेला तेरे सामने अगली दुनिया में आ रहा है, चुटकी बजाए इतनी देर में आ रहा है। ये मरते वक्त ये दूसरी दुनिया के कायम होने के दलाई सुनाए जाते हैं ताकि मोमिन खुश खुश उसकी रूह निकल पाए। क्योंकि मैं यहां पर मैं बहुत ही अपन कर रहा हूं। और देखो स्वामी जी ने अधिकार आपकी, बेहतर तो यह होता कि आप लिखकर देते तो हमारी समझ में आता, हर आदमी बोलेगा तो कैसे समझेंगे। वे करीब के लोग जो समझने की कोशिश करो बाय क्या कहते हैं, मैंने समझ तो खुद यहां पर कफन दफन के सिलसिले में काफी मसले होते हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं। यहां से आपने बताया कि मर्द के वक्त उसको कलमे की ताकीद की जाए, उसके बाद लोग फोर्स करते हैं कि ये बंदा मर गया है तो कफन के अंदर कुछ अहदनामा रख दो और यासीन शरीफ रख दो और ये रख दो और वो रख दो। सारी दुनिया की पंचायत चुनाव किस बात का जवाब तो ये सिचुएशन को तो ये कहां तक सही है, कोई मुहैन बात पूछो कि ये बात कहां तक सही, बस ये भी ना पता है पूछा कि मरने के बाद लोग आते हैं किताबें लेके और कहते हैं भाई ये हम कफन के साथ यहां चाहते हैं, वो कहां तक सही है। फिर ये लोग कहते हैं नहीं तुम पूछो तो सही है कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सही है कि नहीं, मैं सवाल समझूंगा। अच्छा रूह निकलूंगी। अच्छा अब मसला होता रूह निकलने के बाद में जितना जल्दी मुमकिन हो मैयत को गुस्ल दे देना चाहिए और कफन पहना देना। वैसे तो मसला भी है, वैसे कफन भी जल्द से जल्द करना है, लेकिन किसी वजह से डेथ सर्टिफिकेट लाना है, ये करना है, वो करना है, तो ये होती है किसी वजह से। लेकिन मसला यह करना आपका ही इख्तियार है, तो रूह निकलने के बाद पहली फुर्सत में नहला है। जैसे आदमी मियां बीवी मिलते हैं तो मियां बीवी के मिलने से जनाबत पैदा हो जाती है,
जहां तक जाहिरी नापाती नहीं हुक्मी नापाती पर राष्ट्र मियां बीवी मिले जनाब नापाक हो गए उनको कहीं सूचक में नापाक कर सोना। अजीब शरीफ में है कि जिस घर में कुत्ता होता है या बिल्लू भी होता है वहां पर इसे नहीं आता। तो जैसे ये मियां बीवी मिलने से जुलू भी हो जाते हैं ऐसे रूह निकलने से भी बॉडी नापाक हो जाती है लेकिन ये नापाकी जाहिर ही नहीं कोई नया नीचे हुक्म जब नया सत्य हुक्म जुनू भी होगी नई जुनू भी होगी तो उसे पहली पुस्तक में नहला गया दूसरी में मैयत जब हो जाती है तो लोग उसके पास बैठकर कलमा तैयबा पढ़ते हैं कोई कुरान पढ़ता है कोई कुछ करता है। मसला ये है कि नापाकी के पास बैठकर जिक्र करना ठीक नहीं यानी पहली पुस्तक में मैं ये तो नहला दो कफन पहनना दो ताकि अब जो भी आएगा बैठकर कलमा पढ़ेगा फिर अब करेगा ये सारे सवाल करेगा फिर भी करेगा तो नापाक बॉडी के पास बैठकर नहीं पड़ रहा है बल्कि पाक बॉडी के पास बैठकर और अभी मैं शाबान में आमूर नजर और बैंगलोर के बिल्कुल बीच में एक बड़ा टाउन है आमूर वहां मैं गया हुआ था एक किताब से एक मैयत में तो वहां मुझे मालूम हुआ तो मैं दो प्रकार महंगाई जाती आपने कहीं दुनिया में नहीं सुना एक तो मैं ये रूह कब्जे हो गई कहीं भूषण नहीं लगा लेकिन कपड़ नहीं पहनना फिर रखते रहते रखते रहते वो रिश्तेदार आएगा वो रिश्तेदार आएगा वो रिश्तेदार आएगा सुबह बड़ा है तो शाम हो जाएगी पर जब कपन जहां उठने का वक्त करीब रहेगा तब फिर नहलाएंगे और तब कपन पहनाएंगे और ले जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्या तरीका कहां से आ गया मैं तो दुनिया में हम तो सारी दुनिया में घूमते हैं कहीं नहीं गए कहने लगा वो पॉल्यूशन से बचाते हैं। अब सुबह नहलाया है और शाम तक बॉडी रखी हुई तो पॉल्यूशन तो हो जब कब्रस्तान चलने का होता है ठीक नहला तो मैंने उनसे कहा पॉल्यूशन बचाने बच्चे थे दोबारा क्यों नहलाते हो पहनना नहलाया उसी वक्त कफन पहनना था कब्रस्तान पहुंचना तो पॉल्यूशन का मसला ही ना तो दुनिया में ये भी हो रहा है आम लोग तो मसला ये है कि पहली पुस्तक में महिला कफन पहनना काफी मुझे पाप हो जाए और वहां जो कोई बैठे वो जिक्र अजगार कर सकें तिलावत कर सकें पाप बॉडी के पास बैठ करता है ये है असल मसला। अब इसके खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो मसाइल में जाने की वजह से हो रहा है और यह फायदा कोई दिया रहा है वो दीनी बातें जो अलाका वाली एक अलाके में एक दीनी बात है उस अलाके के लोग उसे जानते हैं दूसरी जगह पंजाब में चले जाओ बरतानिया में चले जाओ इंडिया में चले जाओ बर्मा में चले जाओ वो कोई नहीं है समझ लो कि ये लोगों की घड़ी हुई बात क्योंकि कुरान और हदीस तो सारी दुनिया में यही है कुरान हदीस और तजर्बा सारी दुनिया में ये है फिर ये खास अल्लाह के लिए खास बात क्यों है इसका मतलब है कि उसी अल्लाह के लोगों ने गढ़ी अगर ये कुरान और हदीस से की बात होती है सारी दुनिया में जहां मुसलमान है सब देखे ये बात होती तो ये जो आप फरमा रहे हैं ये इसी अल्लाह से की बात है ये लोगों ने ऐसे ही घड़ी है जैसे अंगूर में दो मरतबा नहलाने का सिलसिला शुरू किया है सही कहा ऐसे कोई पार्टी पूछो तो उसके जवाब बोली और किसी को भी पूछना हो नहीं फिर मैं पान लगाऊ अगर मैं पूछो बात कौन तो ये यासीन शरीफ का तो रूह निकलने के बाद पढ़नी चाहिए रूह निकलते वक्त पढ़नी चाहिए तो हमारे यहाँ एक किस्सा सुना देते ये किताब है यूसुफ जुले हजरत यूसुफ और वह हिंदी जुले तो उनकी एक फर्जी दास्तान है फारसी अशार में तो वो उस्ताद ने पहले सबक में पढ़ाई है तो पढ़ाई
जब किताब खुली हुई संस्कार ने कभी दुआ पर, तो एक कार्यक्रम कहने लगा कि हजरत दुआ बात में करें, एक बात एक समझ में नहीं आई, ये दुल्हा मर करता है और सारा मसला समझाया अब ये बात पूछ रहे हैं। अल्लाह के बंदे पर बताया था कि जब वो भान हो उसे होश हो उसको तो पढ़कर सुना था। लगाना और फूलों का चादर और फूल फेंके जाते हैं। ला असला लो कुरान और हदीस से ये चीज साबित नहीं। क्या लोगों ने क्यों घड़ी है? मैं ये जब मरता है आदमी तो आमतौर पर नापाती पखाना निकल जाता है, पेशाब निकलता है और तीन चार पांच आधा दिन के बाद नहलाते बदबू होती है। अब महलने में पता चला पना कहीं देखा लगा तो हर एक भागा आता है और अभी मरा है और मरते वक्त की जो भी गंदगी होती है बदबू होती तो अगर मट्टी जला देते हैं, कुछ परफ्यूम छिड़क देते हैं, कुछ फूल डाल देते हैं, जैसे बैतुल खला में आप लोग एयर फ्रेशर में निकालते हैं, क्या करते हो बदबू को खुशबू बना जाता है तो नहीं खुशबू भूल जाता है। ऐसे ही इस मकसद से लोगों ने निकाला है तो इसको छोड़ो तो कहिए फुर्सत में नहला कर साफ साफ कर दो कि इसलिए रुकनी नहीं पड़ेगी, नगर बत्ती जाना नहीं पड़ेगी, न फूल डालने पड़ेंगे। ये जहां भी चला है इस वजह मरता है दर्दी होता है गंदा होता है पेशाब भी निकल जाता है दूसरा भी होता है अल्लाह माली पाल करना है तो फौरन नहलाते नहीं। कई कई घंटे गुजर जाते हैं नहलाने और मौत की खबर सुनकर फौरन लोग दौड़ जाते हैं तो इसलिए बदबू को खुशबू से बदलने के लिए ये सब अगरबत्ती जलाने का लोबान जलाने का फूल डालने का ये सब सिलसिले शुरू किए। शरीयत में इसकी कोई असर नहीं, शरीयत में तो एक पहले गुजरत में नहला क्लीन करो साफ करो। चलो मैं हमारे आमाल हसना में ज्यादती फरमा, बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मौला इस माह मुबारक को वसूल करने के हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दीन का फहम अता फरमा, दीन सीखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें जो बीमार है हमें शिफा अता फरमा, जो किसी परेशानी में उनकी परेशानी दूर फरमा। या इलाह आलमीन हमारी मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा और तमाम मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की मगफिरत फरमा। सुभान रब्बिल इज्जत।